अरे मलिक भाई, तुम तो खतरनाक वीडियो बनाते हो। अच्छा सच में? क्या मेरे नाक के नगीने की कसम भैया। अच्छा बस कर छोटू। अच्छा वो आपने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, हाउ टू चेंज वॉइस लाइक राइस्टार वाली वीडियो, उसी से मैंने वॉइस चेंज करना सीखा है। थैंक यू यार मलिक भैया, थैंक यू सो मच। अरे मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ यार। तो हे गाइस, मलिक हियर, और हम आ चुके हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू चेंज वॉइस लाइक राइस्टार, यानी कि आप लोग वॉइस कैसे निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से, चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, गाइस ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा किसी ने सोची ना होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप लोग इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो गाइज आप लोग इसको क्रोम से या ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो। गाइज इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना, नहीं तो आपको मतलब प्रीमियम मांगेगा या फिर और भी कुछ मांग सकता है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना, अदरवाइज आप क्रोम से कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आप लोग यहाँ पे सिंपली जाना है सेटिंग में और फाइंड करना गाइज यहाँ पे वॉइस चेंजर, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं सिंपली गाइज यहाँ पे वॉइस चेंजर कहाँ पे है, जल्दी जल्दी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। कहाँ भाई, मिल जाए जल्दी आ जा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हो यहाँ पे वॉइस चेंजर दिख रहा होगा, और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉइस चेंजर का बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहाँ से आप लोग वॉइस चेंज कर सकते हो। जो गाइज आप लोग देख सकते हो नोटी किट वाला, ये जो नोटी किट वाला है इससे आप लोग मतलब राइस्टार का आवाज़ निकाल सकते हो गाइज। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। पर गाइज ये मतलब सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे होगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे लाना है मतलब इन गेम में, तो वो भी बताने वाला हूँ, लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बस एंड तक वॉच करते रहो गाइज। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, मैं इस वीडियो में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताने वाला हूँ, यानी कि स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो क्या होता है, और उसको मतलब वो कैसे ऑन करते हैं वो भी बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो मतलब पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई कैसे मतलब फ्लोटिंग विंडो अनेबल करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा ओपन है, पर यहाँ पे आपको सेटिंग से कैसे अनेबल करना है वो बताने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। आप लोग देख सकते हो मेरा डिवाइस गाइज यहाँ पे रियलमी 7 है, और मैं रियलमी 7 में वॉइस चेंज करता हूँ, आप लोग सोच सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे कोई सा भी डिवाइस में कर सकते हो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अभी देख लो, अब मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे मेरे पास रियलमी का फ़ोन है फिर भी मेरा वॉइस चेंजर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ गाइज फ्लोटिंग विंडो क्या होता है। आप लोग को सेटिंग में मिल जाएगा गाइज, अगर आप लोग का यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपली आप लोग एडिशनल सेटिंग्स पे जाकर फाइंड कर सकते हो, या फिर आपका डायरेक्ट भी दे सकते हैं सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोटिंग विंडो, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा लेट से हो रहा है, मतलब थोड़ा लेट से ही होता है रिस्पॉन्स, मतलब फोन का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे ही है इसका वर्जन ही। तो आप लोग यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग विंडो सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन आ गया है, मतलब इसको स्मार्ट स्लाइडर भी बोलते हैं, पर फ्लोटिंग विंडो सर्च किया तो आ गया गाइज यहाँ पे, देखो फ्लोटिंग विंडो भी बोलते हैं यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे मेरे को ऑन करने का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट फिर सब देख सकते हो, सारे सेटिंग देख सकते हो गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली ऑन कर देते, मेरा ऑलरेडी ऑन है तो मेरे को ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग का ऑन नहीं है यहाँ पे तो आप लोग ऑन कर देना, और यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना गाइज यहाँ पे इसको इस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दिया मैंने यहाँ पे कैसे ऑन करना है फ्लोटिंग विंडो या स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक साथ दो चीज़ काम करेगा, यानी कि आप लोग एक साथ दो चीज़ काम करा सकते हो मतलब फ़ोन में। सिंपली गाइज इसको बोलते हैं गाइज विंडो जैसा मतलब खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इन गेम ले जाकर लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन गेम जा रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो आप लोग देखो अभी मैं इन गेम जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लोडिंग हो जा भाई, मतलब गेम थोड़ा लेट हो रहा है। तब तक आप लोग क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, और जितने भी नए बंदे आ रहे हो यार प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि भाई हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सीजन 4 वाला आईडी ऑन हो चुका है, जो कि मैं फ्री फायर मैक्स है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइड से स्लाइड किया तो देखो मेरा गेम टर्बो ओपन हो रहा है। तो गाइज इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बंदों का आ रहा है, मतलब गेम में जाते हो तो आप लोग का यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो शो नहीं होता है, और इन गेम जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐसा गेम स्पेस आ जाता है। तो आप लोग क्या करना है, गेम स्पेस पे जाना है और यहाँ पे आपको गेम स्पेस से हटा देना है गेम को, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे हम सिंपली हटा देते हैं तो उसके बाद फिर ऑप्शन आने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस से गेम में गया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा साइड से फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो पहले यहाँ पे मेरा गेम स्पेस का ऑप्शन आ रहा था उसके जगह मेरे गाइज यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइज सिंपली ऐसा करना है आप लोग को, बहुत ईजी है, बहुत स्टेप्स इजी स्टेप्स फॉलो किए हैं अभी तक, जितने भी स्टेप्स फॉलो किए मैंने बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स फॉलो किए हैं। आप लोग धीरे धीरे करके वीडियो देखना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देखो कि यहाँ पे मैंने वापस से फाइंड कर लिया वॉइस चेंजर, और यहाँ पे आप लोग नोटिकेट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप बनाना है गाइज, यहाँ पे स्क्वाड मोड करना है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग इन गेम का माइक ऑन करना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे गेम का मैंने माइक ऑन कर लिया, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इस तरह से आप लोग वॉइस चेंज कर सकते हो गाइज। यहाँ पे जो भी बंदा आएगा आप लोग उसको इन्वाइट करो, उसके बाद आप लोग जो भी बोलोगे सामने वाले को गाइज राइस्टार की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पे नोटिकेट पे क्लिक करके बोलोगे तो नोटिकेट की मतलब कि राइस्टार की आवाज़ जाएगी, और यहाँ पे आप लोलिता करोगे तो गाइज थोड़ा मतलब दूसरा साउंड, यहाँ पे जितना भी साउंड सब यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है गाइज, आप लोगों को ट्रिक पसंद आया होगा। और गाइज बहुत बंदों का क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो स्क्रीन
स्क्रीन है यहाँ पे जो मतलब अजीब लगता है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग इधर साइड में भेज सकते हो। अब यहाँ पर बहुत बंदों को लगता है कि ऐसी एप्लीकेशन क्लोज हो गया, पर ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे साइड में चला जाता है, यानी कि गुफा है यहाँ पे, मतलब खुल जा सिम सिम वाली गुफा है, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो वो गुफा में चला जाएगा। तो गाइस होप करते आप लोग वीडियो समझ में आ गया, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, बस यही आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस।